आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा पर 26 साल की वेदिका ठाकुर की हत्या का आरोप। कांग्रेस कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर बीजेपी नेता के घर पहुंचे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में वेदिका ठाकुर नाम की लड़की की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। इस हत्या का आरोप प्रियांश विश्वकर्मा नाम के एक व्यक्ति पर है, जो खुद को बीजेपी का नेता बताता है। बीती 26 जून को वेदिका की अस्पताल में मौत हो गई थी। अब इस मामले में कांग्रेस नेता प्रियांश विश्वकर्मा के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। बुधवार को 28 जून को कांग्रेस कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर प्रियांश विश्वकर्मा के घर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस से जुड़े लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किया है। प्रियांश विश्वकर्मा का घर जबलपुर के गंगानगर गाड़ा इलाके में है। बुधवार सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में घर के पास पहुंच गए। इन लोगों में यूथ कांग्रेस के नगर अध्यक्ष जितिन राज और प्रदेश महासचिव सौरभ शर्मा भी शामिल थे। वे अपने साथ एक बुलडोजर भी लेकर आए थे। इस प्रदर्शन के जरिए विपक्षी दल ने बीजेपी नेता के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। बीते कुछ सालों में बीजेपी शासित राज्यों में हत्या और रेप की घटनाओं के आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई होती रही है। अब वेदिका ठाकुर की हत्या के आरोपी का कथित रूप से बीजेपी कनेक्शन निकला तो कांग्रेस ने सत्तारूढ़ी दल पर पक्षपात का आरोप लगा दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सेलेक्टिव तरीके से, मतलब चुन चुन कर अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलवाते हैं। बीते 16 जून को वेदिका ठाकुर को गोली मारी गई। वो एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। गोली मारने का आरोप प्रियांश विश्वकर्मा पर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपित ने कथित रूप से अपने ऑफिस में वेदिका को गोली मारी। प्रियांश पर वारदात के बाद घायल वेदिका को कई घंटों तक कार में यहां वहां घूमते रहने का भी और सबूत मिटाने के लिए दफ्तर का सीसीटीवी फुटेज गायब करने का भी आरोप लग रहा है। बाद में वो वेदिका को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गया। 10 दिन तक चले इलाज के बाद 26 जून को वेदिका ने दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की हत्या की धारा 302 जोड़ दी है। इससे पहले 19 जून को मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रियांश को गिरफ्तार कर लिया था। बताया गया कि उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। कांग्रेस लगातार इस घटना पर बीजेपी को घेर रही है। 18 जून की सुबह मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया। बीजेपी नेता ने एक बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी। शिवराज इवेंटबाजी में लगे हुए हैं। शिवराज, क्या आपकी नजरों में बेटियों की जान इतनी सस्ती है? आपका कोई भी नेता जब भी चाहे तमंचा उठाता है और बेटी को लाश बना देता है। कितने बेशर्म हो शिवराज। उधर घटना के बाद बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा, मीडिया में प्रियांश विश्वकर्मा को बीजेपी नेता बताया जा रहा है। वो ना ही पार्टी का सदस्य है और ना ही किसी पद पर है। वो घटना हुई उसकी जांच पुलिस कर रही है। अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।